हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30, और अभी मैं मस्त नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, बिकॉज अभी कॉलेज जाने वाला हूँ मैं थोड़ी देर में। और आज 9:30 वाला ट्रेन चल रहा है, मतलब 9:37 वाला ट्रेन चल रहा है, अभी कालीपारी के पास में है। मेरे एक दोस्त से मेरा बात हुआ तो उसने कहा कि कालीपारी से अभी खुल चुका है, तो मेरा खाना बस कम्प्लीट करने वाला हूँ मैं और बस निकलने वाला हूँ। मम्मी को बोल दिया मैंने, मम्मी खाना लेके आ रही है, तो खाना खाता हूँ और निकलता हूँ। और चलिए, उससे पहले एक बार बेबी से मिल लेता हूँ, देखता हूँ कि वो उठाए कि नहीं। अभी तक तो मुझे कोई उसका साउंड नहीं आ रहा है, तो मुझे लग रहा है शायद वो सोया हुआ है, फिर भी एक बार देख लेता है। चल देखो गाइस, मेरा खाना आ चुका है, चावल आलू और आज दाल भी है, ये वन ऑफ माय फेवरेट खाना है, तो जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ। चल सो गाइस, अभी 10:30 बज रहा है और मैं कॉलेज के सामने पहुंच चुका हूं। आज बहुत ही जल्दी पहुंच गया मैं, मतलब बहुत ही जल्दी, क्योंकि आज ट्रेन मिस हो गया था मेरा 9:37 वाला लोकल। मैं घर से थोड़ा लेट निकला था, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट अंडाल मोड़ चला गया, और अंडाल मोड़ से एक सुपर मेल बस भी मिल गया जो बर्धमान टू आसनसोल जाता है, मतलब आसनसोल टू बर्धमान जा रहा था तभी, तो उसमें चढ़ गए। तो 10:30 से पहले ही 10:25 के अंदर मुचीपाड़ा में घुस गया मैं, तो वहाँ से 5 मिनट लगा यहाँ तक आने के लिए। तो चलो अभी चल के देखते हैं, अभी तो कोई नहीं आएगा, पता है मुझे इतना जल्दी कोई नहीं आता है, फिर भी चलो देखते हैं अगर एक दो स्टूडेंट्स आ गए होंगे। अभी कॉलेज के अंदर चलते हैं। चलो देखो गाइस, कॉलेज में अभी एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग चल रही है, जो 8 बजे से स्टार्ट होता है, 10:30 बजे तक अभी चल रहा है। कॉलेज में बहुत कम स्टूडेंट्स आए हैं अभी। चलो अभी वर्कशॉप में चलते हैं। इस जगह को देखो गाइस, ये हमारा वर्कशॉप है। जब मैं हर दिन जब आता हूँ तब यहाँ पे स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स होते हैं। अभी 2 स्टूडेंट्स आए हैं, देखो वो लोग भी बाहर घूम रहे हैं और कोई नहीं है। ये सर का टेबल है, यहाँ पे बहुत सारे लीव एप्लीकेशन रखे हुए हैं। तो अभी तो सर को आने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी 10:30 बज रहा है, 11 बजे से पहले तो सर आएंगे नहीं, 11 बजे से हमारा कॉलेज का टाइम स्टार्ट होता है। तो अभी आ चुके हैं, तो मशीन स्टार्ट करके कुछ काम करते हैं। चलो, सब चीज़ तो मेरे पास है, टूल भी मेरे पास है, और जहाँ पे सब अटैचमेंट्स रहते हैं, अलमीरा अलमीरा का चाबी भी मेरे पास ही है। चलो तो गाइस, अभी मैंने चाक में मेटल बांध लिया है और अभी काम स्टार्ट करते हैं। सर अभी तक आए नहीं है, चलो आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं आज क्या काम करने वाला हूँ। ये देखो गाइस, ये चक में मैंने ये वर्कपीस बांध लिया है। आज मैं ट्राई करने वाला हूँ बॉल टर्निंग, मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है, आज कोशिश करने वाला हूँ। इससे पहले देखा हूँ कि सीनियर्स, मेरे जो सीनियर्स हैं टर्नर के, वो लोग काम करते थे, बॉल टर्निंग करते थे, फ्री हैंड बॉल टर्निंग, बिना कोई अटैचमेंट के क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड के मदद से बॉल टर्निंग करेंगे। आज देखते हैं कितना होता है, कितना भी होगा कोशिश करते हैं, आज कुछ नया कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं गाइस, आज मैं फिर से पानी लेना भूल गया हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के पास आया हूँ पानी लेने के लिए। अभी इंद्रो मशीन में काम कर रहा है, मैं जिस मशीन पर जॉब लगाया था वही जॉब वो काम कर रहा है, मैं पानी भर लेता हूँ फिर जाके दोनों एक साथ काम करें। गाइस अभी 2:30 बज चुका है और हमारे बैच के, देखिए हमारे ट्रेड के सारे चले गए हैं क्लास में। अभी आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्लास है, क्योंकि आज ट्यूजडे आप लोगों को पता है, लेकिन मैं एक जॉब के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरा नहीं है वो, मशीनिस्ट के एक सीनियर का जॉब है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। थोड़ा पानी पीने के लिए आया था, मतलब मैं सोच रहा था कि अभी थोड़ा सा रुक के लंच कर लूँ, लेकिन हाथों के जो हालत है तो मैंने सोचा कि पूरा काम कम्प्लीट कर देता हूँ, 4 बजे तक शायद कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही एक बार मैं लंच करूँगा। तो अभी चलो वहाँ पर उस मशीन में काम हो रहा है, जो मशीन ख़राब था ना उधर पीछे वाला 3 नंबर वाला जो मशीन, तो वो आज सही हो गया है, तो उसमें ही काम हो रहा है। चलो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या काम हो रहा है उसमें, मतलब मिसलेनियस काम है सारे, है स्टेप टर्निंग, प्लेन टर्निंग, फिर फेसिंग, चेम्परिंग, थ्रेड कटिंग, सब कुछ। चलो दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस, आज का लंच पराठे और सीम की सब्जी हो चुका है हमारा काम। ये देखो इसी वो पीस के ऊपर काम होता है, ये देखो ये थ्रेड करने में ही मेन प्रॉब्लम था, ये देखो बहुत छोटा सा डाया है ना इसीलिए। चलो अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी यहाँ से निकलते हैं, और वर्कशॉप में अभी कोई भी नहीं है, एक दो लड़के हैं मेरे साथ जो थे वो सब हैं, 2-4 सर भी, सारे सर चले गए हैं शायद, हमारे ट्रेड के सर थे एक वो भी चले गए शायद। अभी देखते हैं, अभी टाइम 4:45 के आसपास होगा, देखते हैं अभी 5:16 वाला ट्रेन ही मिलेगा, बालिया भी चला गया आज। चलो अभी जल्दी जल्दी स्टेशन पर पहुँचते हैं। गाइस 1/2 घंटे से ज़्यादा वेट करने के बाद फिलहाल आ चुका है हमारा ट्रेन, जो 6:23 में आने वाला था, 6:40 में आया है। तो चलो अभी जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, क्योंकि ये लोकल ट्रेन है, ज़्यादा देर रुकेगा नहीं यहाँ पर। फाइनली आ चुका हूँ घर में, और घर में आते ही देखो फोन मिल गया मुझे। बेबी क्या कर रहे थे?
देखो इसको सर्दी हो गया। गाइस अभी रात हो चुका है, अभी थोड़ी देर में डिनर करने वाला हूँ, अभी बेबी के साथ खेल रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद एडिटिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। बेबी बाय बाय करो। क्या कर रहे थे सुबह से? काफी अच्छा। चलो गाइस अभी मैं फ्रेश हो रहा था।